नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं दीपिका सिंह। टूटती सांसें, जी हां, दिल्ली में पोल्यूशन गंभीर स्तर पर पहुंच चुका है क्योंकि राजधानी के कई इलाकों में AQI 450 के पार हो गया है। तो प्रदूषण से दिल्ली NCR बेहाल है, लोगों को सांस लेने में दिक्कतें आ रही हैं, आंखों में जलन से लोग परेशान हैं। सुबह में यदि हम विजिबिलिटी की बात करते हैं तो बेहद कम है। दिल्ली में ग्रैब का चौथा चरण भी लागू कर दिया गया, तो चौथा चरण लागू होने के बावजूद भी आपको बता दें कि अभी भी दिक्कतें जस की तस बनी हैं। निर्माण कार्य, डीजल बसों पर रोक, ये तमाम प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। और 13 तारीख से लेकर आपको बता दें कि ऑड इवन के फॉर्मूले को भी लागू किया जाएगा, तो ग्रैब का चौथा चरण भी लागू है। बावजूद इसके देखिए अभी भी जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार हाई है, बना हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि तमाम प्रयासों के बावजूद भी आखिरकार प्रदूषण पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है, क्या वो वजह है? क्योंकि कहा यह भी जाता है कि दिल्ली NCR के बाहर जो स्थितियां हैं वो भी बदहाल हैं। जो राज्य लगते हैं, चाहे हम बात हरियाणा की कर लें, पंजाब की कर लें, यहाँ पर पराली जलाने की समस्या जो है वो हमेशा से ही सामने आती है। इसकी परिणति ये रही है कि पिछले कुछ सालों पर यदि हम नजर दौड़ाते हैं तो जैसे जैसे सर्दियां शुरू होती हैं तभी से विजिबिलिटी कम हो जाती है, स्मॉग का जो कहर है वो लगातार बढ़ जाता है। तो ग्रैब 1, ग्रैब 2, 3 और अब ग्रैब 4 के चरण को भी लागू कर दिया गया। निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है, डीजल बसों को भी अब प्रवेश करने से रोका जा रहा है क्योंकि राजधानी के जो कई ऐसे इलाकों को चिन्हित किया गया है जहां AQI 450 पहुंच चुका है। तो लगातार स्थितियां बेहद खराब होती जा रही हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि स्थितियां बद से बदतर और ऑड इवन का फॉर्मूला लागू किया जाएगा। देखिए, आपको याद होगा 2016 में ऑड इवन का फॉर्मूला पहली मर्तबा लागू किया गया था, इसके बाद 2019 में भी ऑड इवन के फॉर्मूले को लागू किया गया। लेकिन जो आप इस वक्त नजारे देख रहे हैं, सूरज नहीं निकल रहा, रोशनी नहीं आ रही है, बहुत कम रोशनी देखी गई है, तो ये बहुत खूबसूरत मौसम नहीं बल्कि ये स्मॉग है, ये धुंध है, एक चादर है जो कि कोहरा रूपी लग रही है। चादर प्रदूषण की, चादर जानलेवा जो सांसों को खराब कर रही है, फेफड़ों को सीधा नुकसान पहुंचा रही है। बड़ी बात आपको बता दें कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं लेकिन ये तमाम प्रयास भी नाकाफी हैं। देखिए, गंभीर श्रेणी में दिल्ली का पॉल्यूशन लेवल है। दिल्ली में आनंद विहार में 450 AQI दर्ज हुआ है, बवाना में 462 AQI दर्ज किया गया है। तो अभी भी स्थितियां बेहद खराब हैं। बवाना की बात करें हैं, आनंद विहार की बात करें हैं, आपको बता दें कि ITO की बात करें, AQI दर्ज हुआ है और जहांगीरपुरी में 447 AQI दर्ज किया गया। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की बात करें 395 AQI दर्ज किया गया। लोधी रोड में 370 AQI, पटपड़गंज में 439 AQI लेवल दर्ज किया गया है। इधर पंजाबी बाग का जिक्र करते हैं तो 460 AQI दर्ज हुआ। RK पुरम में भी स्थितियां बेहद खराब बनी हुई हैं। तो लगातार कोशिश सरकार की ओर से यह हो रही है कि कैसे ना कैसे करके प्रदूषण पर रोकथाम लगाई जाए, पॉल्यूशन को कम किया जाए। लेकिन देखिए, जैसे जैसे सर्दियां बढ़ रही हैं, हम नजदीक आ रहे हैं दिवाली के, और दिवाली पर देखिए हमेशा से ही होता आया कुछ सालों से कि पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन क्या सिर्फ पटाखे ही सोल्यूशन है? क्या सिर्फ पटाखों से ही पॉल्यूशन फैलता है? क्योंकि अभी तो पटाखे जल भी नहीं रहे हैं, उससे पहले जो स्थितियां हैं वो बद से बदतर होती जा रही हैं। हम आपको तमाम श्रेणियां दिखा रहे हैं, ये दिखा रहे हैं दिवाली में आबो हवा किस तरीके से खराब बनी हुई है। प्रयास बहुत किए जा रहे हैं, हर एक तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं लेकिन इसके बावजूद भी तमाम तरीके के जो देखिए, अब इसके अलावा आपको ग्राफिक के जरिए आप जरा समझिएगा किस तरीके से जो लेवल है वो ऑड इवन का फॉर्मूला आपको लगातार बताते जा रहे हैं कि ऑड इवन किस तरीके से बनेगा। 2016 का हम जिक्र कर रहे हैं, पहले दिन देखिए ऑड नंबर को इजाजत दी जाएगी। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि ऑड नंबर को पहले दिन इजाजत दी जाएगी ऑड इवन के फॉर्मूले को। देखिए 13, 15, 17 और 19 नवंबर कौन सी गाड़ी चलेगी, नंबर प्लेट का आखिरी नंबर जो अंक होगा वो 1, 3, 5, 7 और 9 होगा। अगले दिन की बात करते हैं तो अगले दिन इवन नंबर को इजाजत दी जाएगी, यानी कि ये तमाम गाड़ियां सड़कों पर दौड़ पाएंगी,
जिसमें कौन कौन से नंबर होंगे, देखिए वो कौन सी गाड़ियां होंगी जो कि 14, 16, 18, 20 नवंबर कौन सी गाड़ियां चलेंगी, जरा जानिए प्लेट नंबर का जो आखिरी नंबर होगा, वो तमाम नंबर फ्लैश करें हम, यानी कि आपको इससे कंफ्यूजन ना हो कि किस दिन आपकी गाड़ी का नंबर आएगा, उस दिन आपकी गाड़ी सड़क पे दौड़ पाएगी। तो पहले दिन लगातार आपको बता रहे हैं तारीख 13, 15, 17, 19, ये आप नोट कर लीजिए, जान लीजिए 1, 3, 5, 7, 9 ये जो नंबर होगा, इन गाड़ियों को पहले और वाले नंबर गाड़ियां हैं वो पहले दिन चलेंगी, इसके बाद नंबर आएगा इवन वालों का, वो लगातार आपको हम बता रहे हैं कि कहीं आपसे कोई चूक ना हो, कोई गलती ना हो, आप अपने नंबर के हिसाब से गाड़ी को चलाएं। तो 0, 2, 4, 6, 8 ये तमाम नंबर इवन के हैं। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं प्रदूषण का लेवल अप है, उसके बावजूद भी प्रयास भी कर रहे हैं सरकार, बावजूद इसके किसी भी तरह की कोई रोकथाम नजर नहीं आती। तमाम संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, इस वक्त स्थितियां क्या हैं जरा जान लेते हैं। नमित त्यागी हैं दिल्ली समय संवाददाता, शुभम पांडे मुंबई से बने हुए हैं, हैदर अली हैं गाजियाबाद से, नरेंद्र ठाकुर का भी रुख करेंगे जो कि ग्रेटर नोएडा से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नमित सबसे पहले आपका रुख करते हैं, चूंकि दिल्ली का हाल बेहाल तो है ही, और यूं कहे कि ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आसपास का एरिया भी इससे अछूता नहीं है। जरा देखिए अब ऑड इवन के हमने अभी अभी जिक्र किया है, ऑड इवन के जरिए क्या अभी सरगर्मियां आपको नजर आ रही हैं, सरकार कितनी सख्त नजर आ रही है, जानकारी नमित। देखिए बिल्कुल दिल्ली का एक्यूआई लेवल अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है, और जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं यानी कि पटपड़गंज, यहां पर भी 439 एक्यूआई लेवल है दिल्ली का। इसको लेकर अभी ओडीवन के लिए, क्योंकि ओडीवन में क्या क्या नियम रहेंगे, कितना जुर्माना रहेगा, किन किन गाड़ियों को छूट रहेगी, इसको लेकर कल ट्रांसपोर्ट विभाग, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और पर्यावरण विभाग की एक बैठक जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद उसमें नियमों को बताया नहीं गया। उसकी वजह ये रही क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी प्रदूषण के मामले पर एक बड़ी सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने ओडीवन के फॉर्मूले को एक अवैज्ञानिक तरीके से बताया और उस पर एक कड़ी टिप्पणी की, जिसके बाद दिल्ली सरकार और पर्यावरण विभाग ने यह फैसला किया कि पहले वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को स्टडी करेंगे और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा कि आखिर ओड इवन में कौन कौन से नियम लागू रहेंगे, किन किन गाड़ियों पर छूट रहेगी। क्योंकि कल हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने तीखी टिप्पणी प्रदूषण पर की, और सीधे तौर पर जो 5 राज्य हैं, चाहे उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, इन 5 राज्यों को नोटिस दिया और सीधे तौर पर कहा कि आपने प्रदूषण पर लगाम लगाने को लेकर क्या क्या किया है, उसकी पूरी रिपोर्ट को पेश किया जाए। इसके साथ साथ जो कैबिनेट सचिव हैं यानी कि राजीव गौबा, उनको कल ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि आप 5 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग कीजिए, और आज दिन में एक मीटिंग होगी भी। जो कैबिनेट सचिव हैं राजीव गौबा, वो 5 राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठकर एक मीटिंग करेंगे, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मीटिंग में जो कुछ हुआ है उसका प्रस्ताव रखा जाएगा कि आखिर प्रदूषण को कम करने को लेकर 5 राज्यों ने अभी तक क्या क्या कदम उठाए हैं और आने वाले समय में क्या क्या कदम 5 राज्य उठा रहे थे। चलिए आगे मैं रुख करती हूँ, मैं आपका यहाँ पर नरेंद्र ठाकुर आपका रुख कर लेते हैं। देखिए जिस तरीके से दिल्ली में लगातार प्रदूषण का लेवल अप हो रहा है, स्कूल तो बंद कर दिए गए थे, लेकिन यहाँ पर कल जो उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो ग्रेटर नोएडा भी इसकी जद में और ये स्कूल बंद कर दिए गए हैं, फिलहाल क्या कुछ जानकारी? दीपिका बताना चाहूंगा कि जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा का एक्यूआई लेवल है वो 450 से पार हो चुका है, और कल ही जो जिलाधिकारी है मनीष वर्मा, उन्होंने आदेश दिए थे प्राइमरी कक्षा से लेकर 9वीं कक्षा तक सभी स्कूलों को 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो सुबह बच्चे स्कूल जा रहे थे उनको सांस लेने में काफी परेशानी हो रही थी, क्योंकि एकदम ही नोएडा और ग्रेटर नोएडा का जो एक्यूआई लेवल है वो एकदम हाई गया है, तो इसके चलते ही ये आदेश जारी किया गया था कल, और उसी के चलते जो जिला प्रशासन है वो तमाम इंतजामों में लगा हुआ है, क्योंकि सड़कों पर छिड़काव करवाया जा रहा है जिससे कि जो ये जहरीली हवा है वो कम हो सके, क्योंकि लगातार जो ग्रेटर नोएडा और नोएडा का जो एक्यूआई लेवल है वो लगातार खराब श्रेणी में दर्ज हो चुका है, और जिसके चलते नोएडा प्राधिकरण और एक तरफ जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है वो अपने पूरे एंटी स्मोक गन से भी छिड़काव करवा रहे हैं, और लगातार जो रोडों पर पानी टैंकर से पानी छिड़काव हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब जो है जिला प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद दिखाई दे रहा है। उधर जो पॉल्यूशन कंट्रोल विभाग जो है ग्रेटर नोएडा में, वो जो लगातार जो जहां जो प्लांट वर्किंग है कोल से संबंधित, उन पर भी कार्रवाई जारी है, और
साथ के साथ चेकिंग भी करी जा रही है कंपनियों की, उनके वो लाजमी भी बहुत है। पोल्यूशन कंट्रोल विभाग अपना काम कर रहा है और देखिए निर्माण कार्यों पर रोक लगना बहुत लाजमी है, जिसे अब कहीं ना कहीं देखा भी जा रहा है। हैदर में आपका रुख करती हूँ, यहाँ पर देखिए गाजियाबाद में बहुत इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सी फैक्ट्रियां हैं, क्या उन पर भी लगाम लगाई गई है? ऐसी कौन कौन सी फैक्ट्रियों को चिन्हित किया गया है, वहाँ क्या कुछ इस वक्त सख्ती बरती जा रही है? देखिए दीपिका, गाजियाबाद की अगर बात की जाए तो गाजियाबाद में जहाँ न्यूज इंडिया ने लगातार अधिकारियों को जगाने की कोशिश की है, तो अधिकारी जागे हैं। ग्रेड 4 लागू किया गया है गाजियाबाद के अंदर, तो उसमें कहीं ना कहीं अमल में लाया जा रहा है उसको। कल कक्षा 1 से लेकर 9 तक के स्कूलों के बच्चों की छुट्टी कर दी गई थी, लेकिन वो जो आदेश था वो अभी तक अमल में नहीं लाया गया। कुछ स्कूल खुले थे सुबह, बच्चे स्कूल प्रदूषण में आए थे, लेकिन उसके बाद में छुट्टी दी गई है। वहीं अगर बात करें तो गाजियाबाद में कल कमिश्नरेट की एक बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें ट्रांसपोर्ट के अधिकारी जो कार्यकर्ता होते हैं, जो जिनकी यूनियन होती है, उनको बुलाया गया था, उनसे बात की गई है, उनसे बताया गया है कि गेट 4 जब तक लागू रहेगा तब तक कोई भी जो डीजल वाहन है वो नहीं चलेंगे, दिल्ली में प्रवेश नहीं करेंगे और गाजियाबाद के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पहल की है अधिकारियों ने, तो कहीं ना कहीं ये साबित किया। देखिए अधिकारियों की पहल है, अधिकारियों की पहल है, सख्ती भी जरूरी है। इसके अलावा आगे भी मैं आपसे जानूंगी कि क्या इसमें जनता कितना सहयोग कर पा रही है, क्या अपने कामों को लेकर कुछ सख्ती बरती गई, और पराली की एक समस्या जो हमेशा देखी गई है, क्या उस पर लगाम लगाई गई है? जरा मुंबई का मैं रुख कर लेती हूँ। शुभम, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। देखिए शुभम, यहाँ पर हम बात करते हैं, पराली कोई समस्या नहीं है महाराष्ट्र में, लेकिन जो प्रदूषण का लेवल अप है वो अब महाराष्ट्र तक भी जा पहुँचा, या यूँ कहें तमाम राज्य भी इसकी जद में आ रहे हैं। यहाँ पर जो लेवल होता है वो कहीं ना कहीं जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो महानगर, चूँकि महानगर है तो जाहिर सी बात है फैक्ट्रियाँ भी बहुत सारी हैं, तो फैक्ट्रियों की वजह से धुआं फैलता है। क्या महाराष्ट्र सरकार इस ओर चिंतित नजर आई है, क्या कुछ सख्ती बरती गई है? देखिए बिल्कुल दीपिका जी, अभी तक महाराष्ट्र सरकार तमाम राज्य के प्रदेश को, खासतौर पर मुंबई वासियों को ये हिदायत दी है कि जब भी आप बाहर निकलें तो देखें कि आसपास का मौसम क्या, जरूरत हो तो N95 मास्क का उपयोग करें। लेकिन अब महाराष्ट्र में राजनीति गर्म हो चुकी है। देखिए शिवसेना का जो सामना संपादित की उसमें एक आज यहाँ पर महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की गई है कि महाराष्ट्र और मुंबई में जहरीली हवा बन चुकी है लेकिन सरकार सो रही है। अब देखिए राजनीति तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं शिवसेना, खासतौर पर उद्धव ठाकरे गुट, महाराष्ट्र में बैठी ईडीए सरकार यानी एकनाथ देवेंद्र और अजीत पवार सरकार पर सवाल ये साध रही है कि भाई आप सरकार में बैठे हैं, आप मुंबई की हवा खराब होती जा रही है, मुंबई में इतनी फैक्ट्री है, इतने निर्माण कार्य चल रहे हैं, तो आप लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या कुछ उचित कदम उठा रहे हैं? हालांकि कोर्ट ने आदेश दिया है कि कंस्ट्रक्शन काम बंद रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुंबई में 12 से 13 लाख गाड़ियां प्रतिदिन सड़कों पर दौड़ती है, उससे निकलने वाला जो धुआं है वो पोल्यूशन की सबसे बड़ी वजह है। उसके अलावा मौसम में करवट लेना वो सबसे बड़ी वजह है। उसके अलावा देखिए मेट्रो के काम चल रहे हैं, एयरपोर्ट के काम चल रहे हैं, उसके अलावा कई और काम चल रहे हैं, जिस वजह से पोल्यूशन हो रहा है। तो अब सरकार जो है, तो ये तमाम जो निर्माण काम चल रहे हैं क्या इस पे रोक लगाई गई है शुभम, कि अभी भी बदस्तूर जारी है? हाँ देखिए कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो काम चल रहे हैं फिलहाल आप सेहत का ध्यान रखिए, जब भी ये काम करते हैं तो धूल पॉल्यूशन जो है वो कम हो, इसकी ध्यान रखिए। लेकिन फिलहाल निर्माणधारी जो काम है, बिल्डिंग्स है, हाई रिस्क बिल्डिंग बनती है, उसके काम चल रहे हैं, तो फिलहाल इस पर अभी तक कोई रोक जो है वो नहीं लगाई गई जी। नमें देखिए जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट कल बहुत सख्त नजर आया, इसके अलावा आपको भी याद होगा, हमें भी याद है कि पराली को नष्ट करने के लिए केमिकल के प्रचार पर भी सवाल खड़ा किया, कोर्ट ने पूछ लिया दिल्ली सरकार से कि आप पराली का जिक्र कर रहे हैं, पराली को खाद बनाने वाले केमिकल का दावा कर रहे थे, आखिरकार उसका क्या हुआ? यानी कि जो योजनाएं आप पहले से चला रहे हैं, जो आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदूषण कम हो, उस पर रोक आप किस तरीके से लगा नहीं पा रहे हैं? ये सीधी सीधी और सख्त टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। देखिए बिल्कुल, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट की अगर आप पूरी सुनवाई पर नज़र डालें तो उन्होंने कई राज्यों के ऊपर जो है वो तीखा टिप्पणी की और सीधे तौर पर सवाल पूछा है दिल्ली सरकार से भी, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो आउटर दिल्ली के इलाके हैं जहां पर गांव का एरिया है, वहां पर खेतों के अंदर बायोमेट्रिक छिड़काव दिल्ली सरकार ने कराया जरूर था, लेकिन अब दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से ये पूछा है कि आखिर पिछले 2-3 सालों में इस बायोमेट्रिक छिड़काव से कितना प्रदूषण में कमी आई है, उसका आंकड़ा आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश कीजिए। और इसके साथ साथ जो हमारे सूत्र बता रहे हैं दिल्ली के अंदर, अब दिल्ली सरकार कृत्रिम वर्षा भी कराने की जो कोशिश है वो करेगी और उसका पूरा प्लान जो है वो भी तैयार किया जा रहा है, क्योंकि अगर दिल्ली के अंदर हवा में जो जहरीले कण हैं वो तैरते हैं तो उसको नीचे आने की दो ही सॉल्यूशन होते हैं, या तो तेजी से हवा चल जाए तो वो नीचे आ जाते हैं, या फिर बारिश हो जाए, और मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में बारिश की संभावना नजर आ नहीं रही है। तो ऐसे में दिल्ली सरकार के पास एक विकल्प है कि कृत्रिम वर्षा जो है वो दिल्ली के अंदर कराया जाए, जिस वजह से जो दिल्ली के अंदर एक्यूआई लेवल वो थोड़ा सा कम हो, जो हवा में जहर घुल रहा है वो जहर नीचे सीधा जमीन पर आ जाए।
बिल्कुल, देखिए आगे करना क्या चाहिए वो तो दिख ही रहा है, क्योंकि जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं वो नाकाफी हैं। स्मॉग टावर का जिक्र कर लेते हैं हम, कई स्मॉग टावर बनाए गए, लेकिन आपने भी देखा, हमने भी देखा, आपने भी तमाम पड़ताल किए, वो तमाम स्मॉग टावर भी कहीं ना कहीं बंद नजर आए हैं। ये भी सवाल खड़े करता है, तो आप पहले तो सोते हैं और कई सालों से ये कोई आपको समस्या प्रदूषण की इस साल ही बनी है, ये 2016 या उससे पहले से चली आ रही है। नमित, चलिए नमित इस बीच आप पे आऊंगी, एक बड़ी खबर इस बीच बता दे, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का जो कहर है वो बढ़ गया है, लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, नोएडा का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, नोएडा में AQI गंभीर स्तर पर पहुंच गया है, नोएडा में AQI पहुंचा है 428 के पार, गाजियाबाद में पॉल्यूशन लेवल 521 हो गया है, फरीदाबाद में AQI 464 पहुंचा है, भिवंडी में पॉल्यूशन लेवल है 539, सिरसा की बात करें यहाँ प्रदूषण का स्तर 413 तक पहुंच गया, यानी कि हरियाणा का भी प्रदूषण लेवल अप चला गया है, फरीदाबाद की बात करें हैं 464, देखिए हरियाणा का भी जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, भिवंडी की भी बात कर रहे हैं जहां पर पॉल्यूशन लेवल अप गया है। तो फिलहाल कल सुप्रीम कोर्ट बहुत सख्त नजर आया था, पांचों राज्यों को तलब तक किया गया, उनसे पूछा गया कि आखिरकार जो स्थितियां बनी हुई हैं ये आगे तक नहीं बनी रह सकती, इस पर आपको सोचना होगा, समझना होगा और एक सल्यूशन आपको निकालना होगा जो अभी तक सरकारें निकाल नहीं पा रही हैं। चलिए नमित, मैं वापस आपका रुख कर लेती हूं, उसके बाद नरेंद्र के पास मैं जुड़ूंगी। नमित देखिए, हम जिक्र कर रहे थे स्मॉग टावर का, स्मॉग टावर तो आपने बना दिए गए, देख लिए गए, लेकिन वो तमाम स्मॉग टावर भी खराब नजर अक्सर आए हैं, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि दिल्ली के अंदर मौजूदा समय में दो स्मोक टावर है, एक आनंद विहार और एक कनॉट प्लेस में बाबा खड़क सिंह मार्ग पर। दिल्ली सरकार का ये कहना है कि जो अधिकारी हैं जो कि LG के अंडर में आते हैं उनकी तरफ से इस स्मोक टावर को रोका गया, और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को कहा कि दो स्मोक टावर जो दिल्ली के अंदर बने हैं वो आखिर क्यों बंद है, किसकी वजह से बंद है, इस पूरी रिपोर्ट को भी ना केवल केंद्र सरकार बल्कि दिल्ली सरकार से भी तलब करने को कहा है। अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई होगी, वहां पर केंद्र सरकार की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से क्या कुछ रिपोर्ट जो है वो तलब जमा की जाएगी, सबमिट की जाएगी, वो देखने में दिलचस्प होगा। क्योंकि दिल्ली के अंदर जब से दो स्मोक टावर बने हैं, कनॉट प्लेस और आनंद विहार, इनका ज्यादा यूज हुआ नहीं है, कुछ ही समय के लिए चले जरूर थे लेकिन उसको फिर दोबारा से बंद कर दिया। लेकिन एक दिलचस्प तस्वीर में दीपिका अगर ग्राउंड से मैं दिखाना चाहूं, मेरे कैमरा पर्सन इधर दिखाएंगे, 9 बजे से ऊपर का वक्त हो गया है लेकिन अभी देखिए आप तमाम जो गाड़ियों की जो टू व्हीलर वाहन है उनकी भी आपको हेडलाइट जलती हुई नजर आ जाएंगी। यानी कि दिल्ली के अंदर न केवल पोल्यूशन जिस वजह से बढ़ रहा है उसकी वजह से सड़कों पर काफी अंधेरा भी हो जाता है, जिस वजह से देखिए अभी भी पूरा 9 बजे से बाद का वक्त लेकिन काफी टू व्हीलर्स हो या फिर फोर व्हीलर हो सभी ने अपनी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसको ऑन किया हुआ है। उसके पीछे वजह यह है क्योंकि AQI लेवल इतना ज्यादा ऊपर हो गया है और उसके बाद जो तापमान में गिरावट आई है कहीं ना कहीं ये दोहरी मार जो है वो दिल्ली वासियों को झेलनी पड़ रही है। और देखिए ये भी हम कह सकते हैं नमित की ये कोहरा जो है, जो भी स्थितियां बनी है वो वेस्टर्न जो डिस्टर्बेंस है वो भी एक वजह है, प्रदूषण तो लेवल जो है वो अप है ही। चलिए आप तमाम लोगों से वापस में जुड़ने की कोशिश करूंगी, फिलहाल बड़ी खबर आपको बता दें कि पॉल्यूशन से जुड़ी हुई बड़ी खबर ये भी कि दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिल सकती है, कैसे? क्योंकि मौसम विभाग के मुताबिक ये जो कोहरा है वो छट सकता है, यानी कि जो स्मॉग है, कोहरा क्या कहे इसका, स्मॉग कहा जाएगा, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से तेज हवाएं चल सकती हैं और 24 घंटे में उत्तर भारत में आसमान साफ होने के आसार नजर आ रहे हैं। तो मैदानी इलाके में 9 से 10 नवंबर तक हल्की बारिश की संभावना है, हालांकि सरकार कई एहतियात कोशिश करी है, कृत्रिम बारिश की अभी जानकारी भी मिल रही है, हमारे संवाददाता नमित भी बता रहे थे कि कृत्रिम बारिश भी हो सकती है और इसको लेकर भी यहाँ सरकार थोड़ा सख्त नजर आएगी और जल्द से जल्द इसे किया जाए। लेकिन इस बीच जो राहत देने वाली खबर यह है कि दिल्ली में प्रदूषण से राहत मिल सकती है, जो आबो हवा जहरीली हो रही है, जो मौसम विभाग बता रहा है उसके अनुसार कोहरा छट सकता है, स्मॉग छट सकता है। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे हम कुछ और खास खबरों के साथ, आप बने रहिएगा।